हेलो माय लवली ऑडियंस मैंने सात साल लगा के ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करी उसके बाद साढ़े चार हजार लोगों को ट्रांसफॉर्म किया तो मैं ये मानता हूँ कि इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी कुछ सच्चाई तो जरूर होगी ना ये लोग देख रहे हो ये रियल लोग हैं रोबोस या मशीन्स नहीं है या रिसर्च पेपर नहीं है ये इंसान है सो काउंटलेस आवर्स ऑफ रिसर्चिंग के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कैलोरिक डेफिसिट काम नहीं करता जो मैं बोलता हूं और जिन एविडेंसेस के बेसिस पर बोल रहा हूं जाओ खुद की रिसर्च करो पबमेट रिसर्च गेट गूगल पे स्टडीज लिखो अगर मैं बोलता हूं ना फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टॉपिक बोला फ्लेक्सिबल डाइटिंग वर्क्स तो आप लिखो फ्लेक्सिबल डाइटिंग स्टडीज़ प्रोसेस्ड फूड स्टडीज़ गूगल पे लिखो आपके सामने सारी स्टडीज़ आ जाएंगी स्टडीज़ पढ़ो मेटा एनालिसिस पढ़ो एविडेंसिस पढ़ो उसके बाद रिजल्ट देखो जो मैंने इंसानों को दिए हैं रियल इंसानों को सिर्फ बातें नहीं पहली कि मैंने अपनी बॉडी बना ली है आई फील मैं गुरु जी हूं, नहीं एविडेंसेस पे भरोसा करो चलो छोड़ो इन बातों को आज की वीडियो में यह प्रूफ करने आया हूं कि कैलोरिक डेफिसिट कब काम नहीं करेगा किन केसेस में काम नहीं करेगा अभी आपने देखा कि भाई मैं इतना फ्यूरियस हो रहा था कि भाई क्या आपको क्या लगा कि मैं प्रूफ करूंगा आप मान लोगे हाँ मैं प्रूफ करने आया हूं कि देर आर केसेस जहां पे हो सकता है कि कैलोरिक डेफिसिट काम ना करे अब वो केसेस कौन से हैं क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आई बिलीव इन क्रिटिकल थिंकिंग हर एक कॉन्सेप्ट को ना हर एक एंगल से देखना चाहिए ना कि सिर्फ एविडेंसेस पढ़ लिए एक आँच तक नहीं जाने क्लाइंट रिजल्ट दिखा दिए उस पर विश्वास कर लिया इस क्रिएटर ने ये बोल दिया उस पर विश्वास कर लिया और एंड में कंफ्यूज होकर बैठ गए क्रिटिकल थिंकिंग आई वॉन्ट यू टू थिंक एवरी टॉपिक फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव तो अब मैं आपको ऐसे सात स्टेप्स दूंगा जो आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करने से पहले फॉलो करने हैं जिनके बाद ही आपका कैलोरी डेफिसिट काम करेगा वरना कैलोरी डेफिसिट काम करने से पहले ही आपको बहुत ज्यादा हार्म दे देगा तो इसलिए पहला स्टेप है एटीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा चीज़ें यहाँ पर ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो है ये जो सात पॉइंट है सात के सात पॉइंट इनके बारे में कोई स्टडी कहीं पर भी मैंशन नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे जो मैंने साढ़े चार हजार लोगों को कोच किया है उसके एक्सपीरियंस पे एंड अपने आप को मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसके एक्सपीरियंस पर और जितनी मैंने पढ़ाइयाँ करी हैं सात सर्टिफिकेशन मैं कर चुका हूँ उसके एक्सपीरियंस पे साइकोलॉजिकल बातें करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एटीट्यूड आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए स्टिम्युलेटिंग द मसल्स ओ गॉड गुड फूड फूड बैड आपको फर्क पड़ना चाहिए टू जस्ट वर्क हार्ड ट्रेन हार्ड रेस्ट हार्ड बस जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मेरा कुछ स्केड्यूल ऐसा सा लगता था कि मैं सुबह साढ़े पांच बजे उठता था मैं अपना कार्डियो करने जाता था चाहे मेरे से भागा ही नहीं जाता था मोटा सा एक सौ सात किलो का बंदा था मैं जितना मेरे से होता था कि मैं चल रहा हूँ पार्क में चलने जा रहा हूँ वापस आता था तैयार होता था स्कूल जाता था स्कूल में अपना लंच करता था साढ़े ग्यारह बजे हमारा होता था उसके बाद आ, दो बजे हमारी छुट्टी होती थी दो बजे घर आके मेरे पास भाई नॉन मेड स्ट्रीम थी एलेवन्थ में और उसके बाद मैंने ट्वेल्थ में मेडिकल ऑप्ट कर ली थी तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा होता था साइंस स्ट्रीम का था मैं बंदा कि घर आके के साढ़े तीन बजे मेरी ट्यूशन स्टार्ट होती थी और रात के दस बजे तक मेरी क्लासेस होती थी तो घर अगर मैं ढाई बजे पहुंचा हूं, ढाई बजे पहुंच के मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी चेक करता था क्योंकि मेरे को पसंद थी वो ना कि मैं सिर्फ की कॉफ़ी के लिए मैं कोई हिट के लिए तो मेरे को पता भी नहीं होता था कि कॉफ़ी से होता क्या है मैं कोल्ड कॉफ़ी बस एक बढ़िया टेस्ट लगता था और मेरा मूड अच्छा हो जाता था फटाफट -फड़ से कपड़े चेंज करे टू पे मैं जिम में होता था टू से लेके 3:45 तक मैं वर्कआउट करता था ट्यूशन में आधा घंटा लेट पहुंचता था मैं चार बजे पहुंचता था डायरेक्टली जिम से तैयार व्यार होकर मैं सीधा ट्यूशन पहुंचता था और कभी कभार तो बिना ना भी चले जाता था तो यहां पर आप क्या देख रहे हो एक आश तनेजा के अंदर उस वाले एक आश तनेजा के अंदर उस वाले एक आश तनेजा के अंदर एक एटीट्यूड देख रहे हो आप एक हसलिंग एटीट्यूड देख रहे हो कि ही 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 वॉन्टेड बैड ही वॉन्ट्स द रिजल्ट सो बैड कि भाई वो अपनी लाइफ को इतना स्प्रिंट मोड में डाल चुका है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो नहा रहा है ट्यूशन जाने से पहले कि नहीं नहा रहा है आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा मैंने सिर्फ एक गोल बनाया था आई नीड टू ट्रेन हार्ड आई नीड टू गो टू द जिम आई नीड टू परफॉर्म माई कार्डियन दॉर्निंग आई नीड टू जस्ट स्लीप ऑन टाइम आई नीड टू वेकअ ऑन टाइम दिस वॉज अ कंफर्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज आई हैव टू स्टडी एज वेल नल्ला बच्चा नहीं था भाई मैं ठीक है अच्छा बढ़िया अबव एवरेज बंदा था मैं कि जिसके एट्टी एटी फाइव परसेंट आते थे हमेशा से तो यहाँ पर बात आ जाती है एटीट्यूड की उसके बाद एटीट्यूड के अंदर एक और पॉइंट था जो मैं हमेशा बोलता हुआ बड़ा हुआ हूँ जो कि मैं अपने सोशल मीडिया पे भी रैंड करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी प्ले विथ प्लेबो पलसीबो भाई एक एक बंदा था शॉर्ट में बता देता हूँ ये तो रियल स्टोरी है एक डॉक्टर था वो और उसके पास ना पेशेंट्स जब जाते थे जिनकी बीमारी कहीं से भी ठीक नहीं हो रही थी होती थी तो वो उनको एक, एक ऐसी गोली देता था जिससे ठीक हो जाता था वो सो एक ये स्टोरी है मतलब रियल स्टोरी है नहीं आई डोंट नो बट इट्स अ स्टोरी जिसमें मैं रियल विश्वास करता हूँ तो वो बंदा क्या करता था वो उनको ना एक कैप्सूल देता था उसका नाम होता था प्लेसिबो और उनसे उनकी दिक्कत ठीक हो जाती थी एंड देवर लाइक भाई ये कैसे कर दिया तूने हम कैसे ठीक हो गए देन ही रिवील्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसिबो कि भाई वो एक एम्टी कैप्सूल थी पर मैंने इतनी कन्विक्शन से तुम्हें विश्वास दिलाया अपनी स्पीकिंग स्किल से कि इस गोली से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और वो हो गई तो उससे ये प्रूव हुआ कि हमारा साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है कि अगर आप अपने आप को रोज बोलोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आप रोज बोलोगे अपने आपको शीशे में देख के कि भाई क्या फाड़ लग रहा है यार क्या सेक्सी बॉडी बन रही है मजेदार मजा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो बॉडी बनेगी एंड दिस इज वंस अगेन प्रूव्ड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे सेवन लॉज है ना यूनिवर्स के उसमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट यू अट्रैक्ट विद कन्विक्शन दैट कम्स टू यू सो so, मैंने अट्रैक्ट किया मुझे मिल गया मैं रोज अपने वर्कआउट के बाद अपनी गंदी बॉडी को शीशे में देख के बोलता था क्या सेक्सी लग रहा है यार क्या मजा आ रहा है एंड दैट वर्कड सेकेंड पॉइंट इज फिक्स योर गट फर्स्ट भाई कैलरीज 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 मैं कॉलीफ्लावर राइस खाऊंगा कॉलीफ्लावर राइस क्या होते हैं गोभी को ग्रेट कर दिया और उसको बना दिया और वो इल्यूजन देते हैं चावल जैसा बिल्कुल चावल जैसा ही मतलब फील आता है पर 100 ग्राम कॉलीफ्लावर में तो भाई हमें 30 कैलोरीज मिलेंगी और 100 ग्राम रॉ रा, राइस में हमें 360 कैलोरीज मिलेंगी बिल्कुल बारह गुना डिफरेंस है ना तो मैं क्या चूज करूंगा एज ए बिगिनर वाओ अब तो मैं ज्यादा राइस खाऊंगा अब मैं आधा किलो राइस खाऊंगा मैं एक किलो राइस खाऊंगा एंड आई विल स्टिल ओनली गेट 300 हंड्रेड कैलरीज जो मुझे 100 ग्राम राइस में मिलती रॉ वेट की बात कर रहा हूं जो बनने के बाद दो से तीन गुना हो जाते हैं तो अगर 300 ग्राम कुक्ड राइस जो है नॉर्मल राइस उसके अंदर आपको तीन सौ कैलरीज मिलती हैं तो यहां पर आपको एक किलो कॉलीफ्लावर राइस में कुक्ड वेट में तीन सौ कैलोरीज मिलेंगी सो दिस इज सो कूल राइट अब आप क्या करोगे आपको तो आपसे आज से मैं गोभी पर्सन बन गया वॉट इफ यू आर इनटॉलरेंट टू फॉर्ड मै फॉर्डमैप इज अ टाइप ऑफ ओलिग्योसाइक्राइड जो गोभी के अंदर होता है जो गोभी के अंदर पाया जाता है बेसिक भाषा में अगर आपको एलर्जी है गोभी से तो क्या करोगे फिर पता ही नहीं होगा अगर एलर्जी है और आप सिर्फ कैलरीज 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 करते हुए गोभी के पास चले गए और उसको आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो पादते ही रह जाओगे और रिजल्ट भी आएगा पर गंदे गट के साथ इन्फ्लेम्ड गट के साथ विसरल फैट बढ़ सकता है आपका हो सकता है आप परफॉर्म ही ना कर पाओ जिम में उतना हार्ड हो सकता है आप फोकस ही ना कर पाओ अपनी और लाइफ फील्ड में इज दिस वॉट यू डिजर्व ज दिस वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम अ फैट लॉस जर्नी या फिर अगर आप एक मसल गेन जर्नी पे और आपको पता लग गया कि भाई इस शेख से मेरी बॉडी बन जाएगी इसके अंदर तो पंद्रह सो कैलरीज हैं अब मैं दिन के तीन शेक्स पीऊंगा और खाना भी खाऊंगा सो वॉट डू थिंक वो अगर आप बहुत तगड़े सरप्लस में चले गए इज दैट ऑल यू नीड इज कैलरिक डेफिसट एंड कैलरिक सरप्लस फूलिंग यू इज दिस द ओनली फैक्टर दैट यू नीड टू केयर अबाउट नो ब्रदर जब आप अपने गट को ठीक कर लोगे फॉर एक्जाम्पल आपको पता है भाई कि मुझे एक स्ट्रक्चर बना लो कि भाई सुबह उठ के मेरा ये लाइफ स्टाइल है अगर मैं अपने लाइफ स्टाइल की बात करूँ कि मैं सुबह उठता हूँ तो भाई मुझे सुबह उठते ही अपना नहाना है उससे पहले मैं कॉफ़ी पीता हूँ मैं पॉटी करता हूँ उसके बाद मेरे को नहाना है नहाने के बाद मैं एक होलसम ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके दो घंटे के बाद मैं एक फ्रूट खाता हूँ उसके तीन घंटे के बाद मैं लंच करता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट ठीक है अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बिगाड़ूंगा कि वन फाइन डे मेरा मूड बन जाए अभी की बात नहीं कर रहा अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी मैं इंटरमीडिएट एडवांस हो चुका हूँ मैं बिगिनर की बात कर रहा करूँ अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मैं एक वीडियो देख लूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर फैट लॉस ओ मैड वंस वन मील अ डे चौबीस घंटे की फास्टिंग करो तेईस घंटे की फास्टिंग करो सोलह घंटे की फास्टिंग करो और आपने अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी ब्लोटिंग गैस एसिडिटी क्योंकि आपका बॉडी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से फिक्स हो चुकी है भाई कि मुझे इतने बजे इतना एसिड रिलीज करना है मुझे अगर मैं अपनी बात करूं सुबह उठ के कॉफी पीने के बाद पॉटी करने के बाद नहा धो के जब मैं निकलता हूं तो मेरी बॉडी उस टाइम पर स्पेसिफिकली साढ़े ग्यारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे के बीच में सुबह एसिड रिलीज करती है क्योंकि उसको पता है खाना आने वाला है और उसको डाइजेस्ट करना है मैंने उस मोमेंट पे अपनी बॉडी को खाना नहीं दिया आई विल एक्सपीरियंस एसिड रिफ्लक्स इज दैट इज कॉमन सेंस एंड आई माइट नॉट एक्सपीरियंस ऑल्सो तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने गट को सुनना है कि क्या काम करता है आपके लिए क्या नहीं करता अपने लाइफ के अकॉर्डिंग इसीलिए मैं कहता हूं मील टाइमिंग डज नॉट मैटर अगर मैंने आपको मील टाइमिंग की एक वो दे दी एक जेल में डाल दिया अपने क्लाइंट्स को मैं भी हमेशा ये बोलता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल सम क्लाइंट्स आस्क मी कि आपने अपने मील प्लान में टाइम क्यों नहीं लिखा दिस इज व्हाई आई डोंट एंटर द टाइम बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप कितने बजे उठते हो कितने बजे सोते हो कितने बजे क्या करते हो इवन तो अगर मुझे पता भी लग जाए तो मैं आपको एक जेल में नहीं डालना चाहता कि अगर वन फाइन डे आपका एक अनप्रडिक्टेबल शेड्यूल है और आप रात को लेट हो गए सोने से और आपको पता है कि भाई एकांश ने बोला है सुबह नौ बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है बिकॉज मैंने एंट्री फॉर्म में लिखा था कि मैं सुबह नौ बजे उठता हूँ तो आप क्या करोगे आप सुबह नौ बजे का अलार्म लगाओगे सिर्फ खाने की आड़ के लिए कि मैं सुबह उठ के खाना खाऊंगा दैट वुड बी सो स्टूपिड राइट तो उससे आपको और ज़्यादा एडवर्सिटीज़ फेस करने को मिलेंगे क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी इतनी मेस्डप होगी क्योंकि आप सुबह उठे हो खाना खाने के लिए दैट इज नॉट वोड आई वॉन्ट एंड दैट इज़ नॉट यू शुड डू यू शुड ऑलवेज़ फिक्स योर गट फर्स्ट यू शुड ऑलवेज नो यू शुड मेक अ स्ट्रक्चर आफ्टर दैट कि आपको पता होने चाहिए कि आप खाने के बाद अगर पानी पी रहे हो तो उससे आपको ब्लोडिंग हो रही है कि नहीं आप खाने से पहले पानी चक डाउन कर रहे हो तो उससे आपको कुछ गट प्रॉब्लम हो रही है या नहीं अगर आप चावल के साथ दही खा रहे हो तो उससे आपको एलर्जी हो रही है या नहीं और इफ इट वर्क फॉर यू अगर आप पनीर खा रहे हो तो उससे आपको गैस हो रही है या नहीं अगर आप पनीर खा रहे हो तो आप दिन का कितना पनीर बचा पा रहे हो अगर आप सोयाबीन खा रहे हो तो आप साठ ग्राम सत्तर ग्राम सौ ग्राम डेढ़ सौ ग्राम क्या आपकी मैक्स लिमिट है यू नीड टू नो दीज पॉइंट फर्स्ट यू नीड टू गेट दैट आर्ट ऑफ लिसनिंग टू योर बॉडी फर्स्ट आफ्टर दैट कैलरी काउंटिंग कम्स इन प्ले सीधा कैलरीज 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 के बेसिस पर अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी तो भाई विशियस ट्रैप मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कॉफी तो भाई हुआ क्या था 2018 में मुझे तीन साल हो गए थे डीप इस जर्नी में और मैंने अच्छी खासी बॉडी ऑडी बना ली थी फैट लॉस कर लिया था बढ़िया मसल नहीं थी इतनी अच्छी मेरी बॉडी में तब तब मुझे पता चला एक्चुअली uh, में कि मैं कैलोरीज को रिप्लेस कर सकता हूँ फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर सकता हूँ Uh, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अभी हैं uh, इस स्टेज पर जो मेरे कंटेंट को शायद मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसकी वजह से हाँ मेरा कंटेंट हार्म कर सकता है कुछ लोगों को जिसकी वजह से एक और पर्पस है आज की वीडियो का कि इस वीडियो के बाद ना किसी के दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन रहेगा नहीं सो so, मैंने क्या किया भाई मुझे लगा वाह आइसक्रीम में तो भाई शुगर फ्री आइसक्रीम में तो अमूल की जो आती है वनीला शुगर फ्री आइसक्रीम उसके अंदर तो भाई 100 ग्राम के अंदर मुझे 140 से 170 कैलोरीज के बीच में मिलेगा क्योंकि मैं ज्ञानीज और अमूल के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ इनमें से एक में 170 होती है 100 ग्राम में और एक में 130 सौ तीस एक सौ होती है सो आई वॉज लाइक मैं दूध क्यों पीता हूँ यार दूध को भी तो लोग बुरा ही कहते हैं ना और आइसक्रीम को भी बुरा कहते हैं और मैंने तो ये पढ़ा है कि भाई कैलरीज तो सबसे सुपीरियर है कैलरीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलरीज और माइक्रो से ही तो फर्क पड़ता है भाड़ में जाए बाकी सब कुछ भाड़ में जाए डाइजेशन तो भाई मैंने अपनी बची हुई जो दूध की 600 से साढ़े छः सौ कैलरीज थी मेरी डाइट में उसको रिप्लेस कर दिया आइसक्रीम से और मैंने मज़ेदार एक से दो महीने मैं जाता था जिम एक्स्ट्रा कैलरीज बर्न करके आता था जस्ट टू ईट मोर आइसक्रीम एंड मेरे साथ क्या हुआ मेरे को हो गया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर मैं ज्ञानी जा रहा हूँ मैं लाइक like, भाई विटनेस है ज्ञानी पश्चिम बिहार चले जाना वहां पूछ लेना एक आचते नहीं जाए यहाँ पे आके क्या करता था वो लोग खुद हैरान होते थे मैं दो लीटर का ना शुगर फ्री आइसक्रीम का टप खरीदता था वो दो टब मैं पेलता था बैठ के वहीं पे बैठ के घर आता था लूज मोशन मारता था निकलता था सोचता था कोई नहीं यार लूज मोशन जी तो है ठीक है मजा तो आ गया ना खा के आराम से मैं सूंगा रात को खाने के बाद मैं दो लीटर मतलब कि चार लीटर आइसक्रीम खा के आता था मैं और ऐसा नहीं है कि चार लीटर आइसक्रीम में मुझे सिर्फ छो साढ़े छह सौ मिलती थी मैं एक्स्ट्रा कैलरीज भी फिर अकाउंट करने लग गया था कि भाई मैं ये ये माइनस कर दू ये माइनस कर दू और टर्नड आउट कि मैं पूरे दिन के सारे कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आइसक्रीम से ही ले रहा था <laughs> तो भाई दिस इज वेयर इंसैनिटी लाइक कैन कैन हिंडल योर प्रोग्रेस कि मैं इंसेन हो गया था कैलरीज को लेके किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने ऑब्सेशन नहीं बनाना कैलरी काउंटिंग इज जस्ट अ टूल माई फ्रेंड इट इज जस्ट अ टूल विच विल हेल्प यू स्टिक टू योर प्रोसेस डोंट मैरी दैट टूल अब आप लोग सारे सोच रहे हो कि भाई हैव स्ट्रक्चर तो तूने बोल दिया कि ठीक है गट में तूने फिक्स है गट में घुसा दिया कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि गट में प्रॉब्लम आ सकती है मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ कैसे अगर क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस्ट भी होते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में उनका स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली में कि भाई वो जैसे आजकल के टीन रात को नाइट आउट पर जाते हैं स्निक्स मारते हैं घर से स्निक आउट मारते हैं ठीक है तो उनका अनप्रिडिक्टेबल स्केड्यूल होता है एंड देर ट्रैवलिंग बिजी प्रोफेशनल ऑल्सो फॉर एक्जाम्पल अ पायलट सो आई हैव अ क्लाइंट ज कैप्टन गुप्ता मैं उनका पूरा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो इनका ना कुछ नहीं पता होता था इनका ऐसे एकदम से आज पता लग गया कि रात को तीन बजे फ्लाइट है ठीक है नाओ इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाए कैसे बनाएं भाई क्या करें क्या तो भाई उस मोवमेंट पर आपको कोच की जरूरत है सी आई जिस वॉन्ट बी ऑनेस्ट और यहां पर मैं कोई एड वैड नहीं करने आया अपनी कि मुझसे कोचिंग लो या ये करो वो करो सी आई विल ओनली टेल यू द बेस्ट थिंग कि भाई जो चीज एक्चुअली में आपको हेल्प करेगी इट डज़ नॉट मीन कि आपको मुझसे कोचिंग लेनी है या उससे कोचिंग लेनी है यू नीड टू हैव अ कोच अगर आप खुद नहीं कर सकते फॉलो अगर आपको खुद स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता अगर आप खुद अपनी बॉडी को लिसन नहीं कर सकते सो टू कट डाउन दैट एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी ऑफ स्टडिंग रिसर्च पेपर्स ऑफ़ एजुकेटिंग योर सेल्फ ऑफ वॉचिंग अदर्स वीडियोज़ आपको कोच की ज़रूरत है या फिर एक और तरीका कर सकते हो आप मेरे दिमाग में अभी अभी, अभी आया कैंडेट फुल्डी ऑफीटिंग प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैलरीज के और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाएं मैंने क्योंकि मैं मेरा मेरा भी ऐसे अनप्रडिक्टेबल स्टड्यूल रहता है और अब मैं मैं हो गया हूँ इसलिए मुझे अभी कोच की जरूरत नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक माय गेम टू द नेक्स्ट लेवल अगर कभी फ्यूचर में मैं आ, भाई कोई कॉम्पिटिशन वगैरह खेलता हूँ या आई डिसाइड टू गो इन टू एसमेंट देन आई विल नीड अ कोच बिकॉज मुझे स्टेरॉइड्स की नॉलेज नहीं है अगर मैं कभी डिसाइड करता हूँ तो पर अभी जो मैं अपना फिटनेस लाइफ जी रहा हूँ आई थिंक मेरे से बेटर मेरी बॉडी को कोई नहीं समझ सकता सो आई डोंट नीड अ कोच राइट नाउ उस चीज के लिए मैं अपनी सारी जर्नी YouTube पे डालता हूं नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ माई कॉन्टेंट इज फ्री फॉर ऑल आप फुल डे ऑफ ईटिंग की एंटायर प्ले लिस्ट देख लोगे आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे ना कि भाई ये बंदा कभी इस टाइम पे उठता है कभी इस टाइम पे उठता है कभी इस टाइम पे ये खाता है कभी उस टाइम पे वो खाता है और उसमें से अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर चूज कर लिया और अपनी लाइफ में फिट करके देखा कि अच्छा ये काम कर रहा है ये काम कर रहा है ये काम कर रहा है और कोई अगर काम कर गया फॉर एग्जाम्पल आपने चिपका के देखा और वो काम कर गया दैट इज वेयर फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो विल हेल्प यू मेरी नहीं दूसरों की भी देखो जो भी बंदा आपको कहता है ना मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है मेरे को किसी का नाम नहीं लेना स्टूपिड स्टेटमेंट एब्सल्यूटली स्टूपिड कि फुल डे ऑफ ईटिंग से आप हमारा क्या करोगे ठीक है फुल्डे ऑफ ईटिंग जो यूट्यूबर्स फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस बना रहे हैं वो एक नंबर के घोड़ू इंसान है वो एक नंबर के पागल इंसान है क्योंकि वो उससे किसी और की क्या हेल्प होगी तो भाई यू आर एक्चुअली स्टूपिड आपका दिमाग इतना ओपन नहीं है सो यू आर नॉट ओपन टू अनलर्निंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स क्योंकि एक्चुअली में फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो आर वेरी वेरी हेल्पफुल हेल्पफुल्स द रीच क्यों बंदे क्यों मोस्ट सर्च टर्म ऑन यूट्यूब डे ऑफ ईटिंग है क्यों कोई नॉर्मल बंदा भी अगर जिसका जॉन फिटनेस नहीं भी है अगर वो फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज डाल दे तो वो चलती है क्यों क्योंकि बंदे देखना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर क्या पता हमारी लाइफ में हमें हेल्प करे एंड इट इज एक्चुअली ट्रू जब मैं भी अपने बडिंग स्टेजेस में था आई यूज टू वॉच फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज दैट यूज टू गिव मी एन इनसाइट कि अच्छा ठीक है ये बंदा ऐसे जी रहा है ओके okay, ये बंदा ऐसे जी रहा है ये बंदा ऐसे जी रहा है कुछ नहीं भाई बस एक एक्सपीरियंस हो जाता है एक बंदा अपना शेयर कर रहा है और ऐसा पता लग जाता है कि ठीक है हर एक बंदे का ये एक्सपीरियंस है क्या पता उस चीज से मिक्स एंड मैच करके दूसरे बंदे की हेल्प हो जाए उसमें क्या बुरा है सो so, ठीक है इसीलिए इधर गेट अ कोच फॉर योर सेल्फ और वॉच अदर्स वीडियोज लिसन टू तो पॉडकास्ट रीड रिसर्च पेपर्स गेट एजुकेटेड गेट सर्टिफाइड फ्रॉम अ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इवन यू कैन गो फॉर माई डी जिसके आपको कुछ सर्टिफिकेट Uh, कहीं पे काम नहीं करेगा सर्टिफिकेट मिलेगा जरूर आपको जॉब नहीं मिलेगी उससे बट इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग ऑन दिस अर्थ एक्चुअली में क्योंकि वो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली मैं, मैं क्रक्स में जाऊँगा एंड आई विल बी योर वर्चुअल कोच इन दैट सो आई विल बी लाइक जस्ट टेलिंग यू गिविंग यू ऑल द टूल्स एंड इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम इट इज़ नॉट माई वन ऑन वन कोचिंग बता दूं मैं कि अगर आप ये सोच के नीचे लिंक पे क्लिक करके उसमें एनरोल कर लो कि मैं आपका वन ऑन वन ट्रांसफॉर्मेशन कोच बनूंगा नहीं फॉर दैट यू नीड टू ड्रॉप मी यर मेल वो अलग है वन ऑन वन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स दिस इज डी आई वाई डू इट यूर तो इसके अंदर आपको एजुकेशन मिलेगी इसके अंदर सारे टूल्स मिलेंगे इसके अंदर आपको हर एक चीज़ का पहलू हर एक एंगल से समझाया जाएगा सो दैट यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोग्राम फोर्थ पॉइंट इज नो सप्लीमेंट्स इफ यू आर अ बिगिनर आपको पता ही नहीं है कि आपकी माइक्रो डिफ्रेंसिएशन क्या है आप अभी तक पहले के तीन पॉइंट्स पे काम कर रहे हो यू ट्राइंग टू हैव अ स्ट्रक्चर यू ट्राइंग टू जस्ट इंजॉय द प्रोसेस यू ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड वॉट इज इट वॉट इज फिटनेस एक्चुअली वहां पर अगर आप एड लो ये देखो प्रोटीन बार ये है पोटेबल, ये है है पोर्टेबल इसको खा के आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा सी प्रोटीन बार्स आर कूल प्रोटीन बार्स आर नाइस बट ओनली देन जब आपको पता हो कि आपका ओवरऑल प्रोटीन इनटेक है क्या यू कैन नॉट गेट दैट बाई मल्टीप्लाइंग वेट बाय टू मोस्ट स्टूपिड अनदर स्टूपिड फैक्ट सी इज मैथमेटिकल कैलकुलशन आर जस्ट फॉर रेफरेंस जब आप ये सारे के सारे सात पॉइंट जो आपको बताने वाले हो ना इस वीडियो में यह जब आप थ्रू कर लोगे उसके बाद आपका यह नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि अब आप अपनी माइक्रोडिफ्रेंसिएशन पता कर रहे हो अपना बीएमआर पता कर रहे हो येस एब्सोल्यूटी दैट इज अ बेस बट एक्चुअली में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट अगर आप अपने वेट को टू से मल्टीप्लाई करते हो और फॉर एग्जाम्पल आप अस्सी किलोगे और एक सौ साठ ग्राम प्रोटीन आ जाता है हो सकता है कि एक सौ साठ ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को नहीं चाहिए हो क्या पता उस टाइम पे आपकी बॉडी को दो सौ दस ग्राम प्रोटीन चाहिए हो क्या पता उस टाइम पे आपकी बॉडी को एक सौ पैंतीस ग्राम प्रोटीन चाहिए हो सो दैट रेंज कि आप किस किस पॉइंट पे हो किस किस एंड पे हो रेंज के इज इट द मिनिमम साइड इज इट जीरो पॉइंट एट ग्राम पर केजी और इज इट थ्री ग्राम पर केजी किस किस एंड पे हो आप ट यू नीट एक्सपीरियंस फॉर दैट यू नीड टू ट्राइ स्टफर दैट यू नीट टू सी लाइफ स्टाइल आपका वियर एंडियर क्या है सो so, इसीलिए अगर 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 आप एक सौ पैंतीस ग्राम प्रोटीन भी खा रहे हो अस्सी किलो के होके डराम करो एकदम से ओ फो प्रोटीन मसल लॉस ओ माई गॉड और या फिर अगर आपको कोई दो सौ दस ग्राम प्रोटीन की डाइट देता है अब तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होगी यू नीड टू टेस्ट दैट फर्स्ट क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अनप्रिडिक्टेबल पांच सौ कैलोरीज रोज बर्न करूंगा पैंतीस सौ कैलोरीज हफ्ते की बर्न करूंगा मस्त अपना आराम से मेरा यार फैट गिरता चला जाएगा क्योंकि सेवेंटी सेवन हंड्रेड कैलोरीज में तो एक किलो फैट होता है ना इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट ऐसा नहीं है कि अगर आप पैंतीस सौ कैलरीज या सेवेंटी सेवन हंड्रेड कैलरीज एक हफ्ते में बर्न कर दोगे तो आपका इतने किलो फैट या इतने किलो मसल गिरेगा सी नंबर्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस नंबर्स आर नॉट एवरी थिंग बट नंबर्स आर एवरी थिंग आपको पता होना चाहिए आप कितनी गैलरीज खा रहे हो आपको पता होना चाहिए आप कितनी बर्न कर रहे हो एक्चुअली में इट इज ट्रू आपको पता होना चाहिए आप कितना सो रहे हो इट इज जस्ट फॉर एनालिसिस कि अगर कुछ गलत हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैट लॉस जर्नी पे हो या आप एक मसल गेन जर्नी पे हो और आपका डोला उगना बंद हो जाता है या फिर आपका फैट गिरना बंद हो जाता है आपका वेट चेंज होना, हो होना बंद हो जाता है आपको प्लाटू आ जाती है सो यू विल हैव अ स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि अच्छा मैं इतनी गैलरीज खा रहा था इतनी बर्न कर रहा था इतना सो रहा था अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूं जिससे मेरी प्लाटू टूट जाए फॉर फॉर दैट दैट एनालिसिस यू नीड टू हैव नंबर्स नंबर्स आर नॉट योर वाइफ आपने शादी नहीं करनी नंबर से कि हाँ अब तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा दुनिया तू मेरी जहान नहीं वो सिर्फ आपकी एक वो है मतलब क्या वर्ड कहूँ मैं इसको आपका बेस्ट फ्रेंड है वो जो आपको आपके दुख में आपका साथ देगा कि यार कोई बात नहीं तेरा वेट लॉस प्लैट हुआ गया मैं तेरी हेल्प करता हूँ वहाँ पर आपका काम करेगा पांचवा पॉइंट है बिल्ड हैबिट्स सो यू नीड टू हैव आदतें अब जैसे मैं अपनी बात करूँ यहाँ पर कि मैं सुबह उठता हूँ और जब तक मैं एक लीटर पानी की बोतल चग ना करूँ ना कि मैं घटकूँ ना तो मुझे साइकोलॉजिकल किक स्टार्ट नहीं होता कि भाई अब मुझे पॉटी आने वाली है मुझे पॉटी नहीं आएगी अगर मैं सुबह उठ के पानी नहीं पीऊँगा चाहे वो ठंडा हो गर्म हो आई डोंट केयर क्योंकि वो मैंने अपने सिस्टम में अभी अपनी आदत नहीं डाली कि मुझे गर्म पानी या ठंडा पानी चाहिए मुझे सिर्फ पानी चाहिए तो अगर जब तक मैं वो ना पीऊँ तब तक आई विल नॉट बी एबल टू पूप और कुछ लोगों की गंदी आदतें भी होती हैं कि भाई वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते या फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करते तो उनको पॉटी नहीं आती सो यू नीट टू हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक यू नीड टू सी कि यू नी टू बिल्ड हेल्दी हैबिट्स यू नीड टू फोकस ऑन पुलिंग आउट नेगेटिव हैबिट्स की अगर आपको सुबह उठ के सुट्टा फूकने की आदत है या फिर सुबह उठती आपको भाई कैफीन चाहिए नहीं जिसके बिना आपको पॉटी नहीं आएगी या फिर सुबह उठती आपको या रात को सोने से पहले आपको लेग्जेटिव चाहिए तो आपको वो चीज़ें पहले कट डाउन करनी है धीरे धीरे यू नीट दैट इज योर फोकस कैलरीज नहीं है आपको भी आप, आपका फोकस आपका फोकस है हैबिट्स फर्स्ट नाउ फॉर एग्जांपल आपका एक भाई हैबिट्स बन गई है कि भाई सुबह उठ के मुझे ब्रीदिंग करनी है आई नीड टू फील ग्रेट आई नीड टू टर्न ऑन म्यूजिक आई नीड टू चेक डाउन वाटर आई नीड टू गो पूप उसके बाद जब मैं अपना खाना खाऊंगा तो खाने से पहले मुझे फूड को स्मेल करना है दो से तीन मिनट तक सो दैट आई कैन एक्टिवेट माई डाइजेस्टिव इन कि भाई खाना आने वाला है सो यस दिस इज नोन एज एक्टिवेट रिस्पेक्टिंग द सेफिलिक फेज ऑफ द डायजेशन सबसे फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन होता है सो यू नी टू रीड फर्स्ट टू रीड अबाउट द फेजेज ऑफ डायजेशन ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है इसके लिए सबसे बड़ा हैक है कि दसवीं की जो बायोलॉजी बुक है ना उसके अंदर एक तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ो और डायजेशन का एक चैप्टर था उसके अंदर जो भी मतलब लाइक बायोलॉजी बायोलॉजी के जो सारे दसवीं के टेंथ टेंथ ग्रेड की जो एनसीआरटी है ना उसको चाट जाओ आपके आदि आपको ना सारी चीजें समझ आ जाएंगी बॉडी के बारे में वंस यू गो थ्रू दैट यू विल नो कि भाई अच्छा ये फेजेज होते हैं आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई गट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई एलमेंट्री केनाल कैसे काम करता है कैसे क्या करता है डायजेशन स्टार्ट फ्राम द माउथ राइट है ना नो डायजेशन स्टार्ट फ्राम द ब्रेन इट स्टार्ट फ्राम द नोज जैसी यहाँ से खुशबू अंदर जाती है ना हमारे डायजेस्टिव इन्जाइन्स एक्टिवेट हो जाते सो फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी हैबिटिट वो हो गई कि स्मेलिंग द फूड आई एन जस्ट गिविंग यू एग्ज़ैम्पल ऐसा नहीं है वो आपको ये नहीं करना, करना है किसी किसी का डायजेशन एकदम स्ट्रॉग होता है उसको नहीं करने की जरूरत होती बहुत सारे हैं ऐसे क्लाइंट्स मेरे बट

ऐसा बच्चा रह चुका हूँ पास्ट में जो सिर्फ जिम पे फोकस करता था या फिर सिर्फ प्ले स्टेशन खेलने पर फोकस करता था और एक नल्ला बच्चा होता था मैं फुकरा बच्चा होता था कॉलेज टाइम पे जो टाइम की परवाह नहीं करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आई डोंट हैव द इनफ टाइम फिर जब मैं ऑन्डरबिन बना तो इनिशियल स्टेजेस में भी मुझे ऐसा लगा दैट आई वॉन्ट बी एबल टू स्केल माई बिजनेस क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मैं कहाँ से लाऊँ पच्चीस घंटे बना दूंगे अपने दिन में नहीं देन वेन आई एक्सप्लोर्ड एंड

शांति से बैठ के YouTube वीडियो बनानी ही है तभी ही आप देख पा रहे हो कि मेरा कंटेंट जो YouTube वीडियोस हैं वो इतनी लंबी लंबी कैसे होने लग गई हैं पहले आप देखो जो आज से मैं दो तीन साल पहले बनाता था YouTube वीडियोस बहुत छोटी छोटी होती थी क्योंकि मैं एग्जाइटी में बनाता था कि ओ फक मेरे को यार मेरे क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा बट बड बट करके आधा अधूरा कॉन्प्ट समझा के चला जाऊंगा नाउ दिस इज अ स्लॉट आई हैड दिस स्लॉट ये एक घंटे का स्लॉट है मेरे पास जहाँ पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है और एडिट करनी है हाँ मैं अभी ही एडिट करूंगा इस वीडियो को अगर एक घंटे से ज्यादा लग रहा तो मैं क्या करूंगा पता है आपको मैं उस, मैं उस लैपटॉप उसी टाइम पे एडो प्रीमियर प्रो को मैं बंद कर दूंगा एंड आई विल ओपन अप मई अदर टास्क जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल में जी करते थे सो यू नीड टू हैव हैबिट्स यू नीड टू रिस्पेक्ट टाइम नाउ सिक्स स्टेप इज द मोस्ट प्रैक्टिकल स्टेप जो 99% जनता को एकदम से हेल्प कर देगा पर इसके लिए थोड़ा स्ट्रांग माइंड सेट भाई वीक माइंडेड बंदों के लिए नहीं है यू नीड टू गो आउट नेटवर्क विद पीपल आपको उन लोगों से बातें करनी है जो एक्चुअली में आपको लगता है कि इस फील्ड में कर चुके अपने आप को ट्रांसफॉर्म या कर चुके अपने आप की हेल्प चाहे वो किसी भी फील्ड ये जो मैंने आपको आज की वीडियो बताई है ना भाई ये एक ब्लू है लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाते हो और आप अपने से एक बंदे को देखते हो चाहे वो किसी भी एज का आपसे चाहे छोटा भी हो पर वो आपसे इस फील्ड में आ गया वो अपने आप को एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर चुका है वो तीस किलो कम कर चुका है या फिर पंद्रह किलो मसल गेन कर चुका है और वो ईगोस्टिक पीस ऑफ शिट नहीं है वो एक पॉजिटिव बंदा है जो एक्चुअली में सबकी हेल्प करना चाहता है ही इज़ विलिंग टू हेल्प एंड उसको देख के अच्छी वाइब्स आती है कि इसके पास जाऊंगा तो ये मेरी हेल्प कर देगा सो यू वॉट यू नीड टू डू इज़ मैं क्या करता था मैं हर रोज भाई मेरा डेली का टारगेट होता था कि आज मुझे चार बंदों से चार अलग अलग फिटनेस के क्वेश्चन पूछने हैं तो अब मैं नहीं देखता था कि भाई वो बंदा इगोस्टिक पीस ऑफ शिट है या खुश है मैं चले जाता था चाहे मेरी बेस्ती भी कर दे कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं एग्जाम्पल देता हूँ देर वॉज अ गाय इन माई जिम वो मुझसे दो तीन साल आ गया था उसने अपनी फैट टू फिट जर्नी कर ली थी और उसके उसने मसल भी गेन कर लिया था अच्छा खासा उसने स्टेरॉइड्स भी ले रखे थे so समझ के पास जाता था मैं उससे पूछता था बेसिक चीजें कि आपने कैसे स्टार्ट किया आपका क्या स्ट्रक्चर था अच्छा आपने ये सब खाया आपने वो सब खाया ठीक है ओके okay. Uh, उसके बाद फिर मैं किसी जिम ट्रेनर के पास चले गया एक्सरसाइज करते हुए कि सर एक बात बताओ ये एलर्जी लाइन कैसे काम करता है मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उससे पंप आता है तो उसने मुझे एक अलग इंफॉर्मेशन बताई वही सेम क्वेश्चन मैंने दूसरे बंदे से तीन दिन बाद पूछ रहा उसने अलग इंफॉर्मेशन बताई तो ऐसे करके एक महीने के अंदर मेरा टारगेट होता था कि मैं सौ से डेढ़ सौ लोगों से बातें करूंगा सिर्फ चार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग आंसर सुनूंगा सबसे सो दैट वे योर ब्रेन विल ग्रो योर ब्रेन विल हैव मल्टीपल आंसर और आपका ब्रेन इतना केपेबल है कि जब उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी ना तो उसका एक निचोड़ निकाल पाएगा एवरेज और उसको ना इंट्यूशन आएगी कि भाई ये सही आंसर होगा या फिर इस चीज को फॉलो करके देखता हूं सो वेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ आंसर वेन द मोर यू विल टॉक टू पीपल मतलब द मोर यू विल टॉक टू नॉट वन पर्सन बट द मोर यू विल टॉक टू मोर पीपल जितने ज्यादा बंदों से बात करोगे उतना ज्यादा अच्छा है सेम टॉपिक के बारे में आई डोंट नो कि ये एडवाइस सुन के Uh, कोई मुझसे बड़ा बंदा या मुझसे मेचो और बंदा खुश हो गया उदास बट भाई मेरे लिए और मेरे साढ़े चार हज़ार क्लाइंट्स के लिए ये बहुत काम किया है क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ता है वो ये सैकॉलॉजी ये सारे पॉइंट्स जो एक्वायर करता ही करता है और अगर आप मेरी कोचिंग लेने का भी सोच रहे हो तो मत लेना अगर आप इन सात पॉइंट्स पे अभी तक काम नहीं किया आपने सो आई वॉन्ट यू लाइक मैं क्यों मैं आई चूज माई क्लाइंट्स आई ऑलवेज टेल दिस टू माई क्लाइंट्स मेरे को जो मेल्स भी आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के रिप्लाइज करता हूँ जिनका वॉयस strong होता है वॉयस स्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या है कि मैं आपको जज कर लेता हूँ कि आपने जो पूरी कहानी लिखी है ना अपनी उसके अंदर तो मैं जज कर लेता हूँ इस बंदे ने इन सात पॉइंट्स पे काम कर रखा है कि नहीं कर रखा है क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है आप सीधा अगर कोच के पास चले जाओगे और आपके पास आपके पास एटीट्यूड नहीं होगा आपके पास हैबिट्स नहीं होंगे आपने अपने गट को आपको पता ही नहीं होगा आपके इंटॉलरेंसेज क्या आपके एलर्जीज क्या सो so, बे मतलब कि आपके पैसे वेस्ट है भाई छह महीने लग जाएंगे और ज्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को ज्वाइन करते हो ये सारे पॉइंट्स पे काम करे बिना आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट है आपका पैसा भी वेस्ट है कि आपको जहां पे मेरे बारह से सोलह हफ्ते का प्लान लेना चाहिए आपको वहां पे साल का प्लान लेना पड़ेगा सो इफ यू कैन लाइक अफोर्ड यू हैव अ लॉड ऑफ एक्स्ट्रा मनी एंड यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम इन लाइक जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ऑन ओन गो फॉर इट स्पेंड मनी कोई दिक्कत नहीं है मैं भी ऐसा ही हूँ कि अगर मुझे आज की डेट में अगर कुछ करना है जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है आई विल स्पेंड मनी बट इफ यू हैव टाइम बिगिनर एज अ बिग ब्रदर आई वुड जस्ट टेल यू टू वर्क ऑन दीज सेवन पॉइंट फर्स्ट ठीक है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके बाद तो आपकी लाइफ बदलनी निश्चित है भाई ठीक ah. ah. है ना हा लास्ट पॉइंट है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो और आपको यहां से जितना भी फ्री कंटेंट आ रहा है उससे आपकी एक्चुअली में हेल्प हो क्या मारने का मन कर रहा है मुझे कि ये था लास्ट पॉइंट मत मारना क्योंकि भाई ये एक्चुअली में काम करेगा जितनी भी मैंने पता नहीं ढाई सौ दो वीडियोज डाल चुका हूँ मैं यूट्यूब पर एक एक वीडियो अगर आपने देख ली ना भाई आप अंदर ना दम रखते हो अपने आप को चेंज करने का ये लिखवा के ले लो अगर आपने सारी की सारी एक एक वीडियो मेरी देख ली ंग यू नथिंग यू विल हैव एवरीब टू दैनल नोटिफिकेशन बिल को भी दबा देना सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना फिर से कह रहा हूं अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरा दिल टूट जाएगा क्योंकि आज इतनी रॉ होके इतना कैंडिड होकर मैंने आपसे बातें करी है सो आई वॉन्ट एन इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन ठीक है ना सो so, मुझे प्यार चाहिए उतना ही सिल्वर प्ले बटन लाना घर जल्दी से ताकि मुझे पता हो कि भाई यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे लुकअप टू करते हैं मैं इतना ज्यादा इमोशनल और खुश हूं ना भाई आज ये वीडियो बनाते हुए कि इसी इसी जगह से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे पीछे देख रहे हो ये ये सोफा यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हैं यार ये देखो यहाँ पे बैठ के मैं बनाया करता था मोस्टली सारी वीडियोस अगर आपको याद हो शुरू शुरू में दिस इज ओनली अ पार्शल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और आज इसी रूम में मैं सेवेंटी फोर सब्सक्राइबर से बात कर रहा रहे अपने दिस इज सो कूल हाँ आई लव यू ऑल गाइज आई लव यू ऑल सही में ठीक है ना और किसी की बातों में नहीं आना फोड़ के रख देंगे जो अचीव करना वो अचीव करके रहेंगे आई सी यू इन मैं नेक्स्ट वीडियो गाइज आई लव यू ऑल कीप क्रशिंग एंड येस यू कैन चेंज योर सेल्फ दिस इज़ वेरी इजी नॉट ईजी बट दिस इज़ वेरी सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड आई एल सी यू ऑल बाई गाइज